मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि सभी युवा दिलों के चहेते श्री चिराग पासवान जी, माननीय लोकसभा सांसद जमुई बिहार श्री हनीफ नवाती जी, निदेशक के भी ऐसी श्री सरेंद्र सिंह तरागी जी, जीएम एसबीआई, श्री सुमन कुमार गुप्ता, निदेशक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, श्री संजीव श्रीवास्तव DSCRD और तमाम उपस्थित बंधु प्रतिभागी। जैसा कि विदित है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री चिराग पासवान जी आपके बीच में हैं, और आपने ये देखा होगा, आपने देखा होगा, इनके वक्तव्य को सुना होगा, तो इनके वक्तव्य में तकनीकी बातें ज्यादा आ रही थी, इनके बात में टेक्निकल चीज पर फोकस ज्यादा था रेदर देन अदर पॉलिटिकल इश्यूज। इसका कारण है कि ये एक मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, तो ये तकनीकी चीज से बड़े तकनीकी रूप से बड़े सुदृढ़ माने गए हैं। इनके भाषा में अभी हमने देखा कि ये तुरंत पकड़ते हैं कि वेयर इज द प्रॉब्लम एंड हाउ इट कैन बी सॉर्टेड आउट। तो इस तरह का अगर नेता, इस तरह का अगर नेतृत्व भविष्य में पूरे भारत में अगर मिलता है, तो भारत बहुत जल्दी चांद के ऊपर सूर्य के पास पहुंच जाएगा, मेरा अपना मानना है। क्योंकि तकनीकी ज्ञान ही हमें ऊपर की ओर ले जाएगा, और आज के नेताओं में इस तरह का ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो हम इस बात के लिए पुनः आभार व्यक्त करते हैं इनका कि हमारे बीच में आए, हमारे प्रतिभागी को उन्होंने प्रोत्साहित किया। और मैं एक निजी चीज भी इनका बताऊं कि इनकी एक फिल्म भी थी जो शुरू में मिले ना मिले हम आया था, और इन फिल्म में इनको स्टार डस्ट का अवार्ड भी मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें बहुमुखी प्रतिभा कितनी ज्यादा है। इनका ना सिर्फ आकर्षक व्यक्तित्व बल्कि इनका जो दूरगामी प्रयास रहता है तकनीकी अवलोकन करने का, ये भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के नेतृत्व अगर हम लोग को प्रदान किया जाए तो भारत बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। हमारे बीच हमारे नौजवान भी उपस्थित हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद एक उद्यमी बनना चाहते हैं, और अग्निवीर के बारे में हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया। तो अग्निवीर को हम लोग अब एक दूसरा आयाम देंगे, जब वो अग्निवीर से वापस आएंगे तो हम उनको उद्यमी वीर बनाएंगे, उनको उद्यम लगाने में उनकी मैं पराकाष्ठा उनको दूंगा। तो अग्निवीर जब वो पूरा करेंगे तो उद्यमी वीर बन जाएंगे, और उससे क्या होगा कि उनको दोहरा फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, वो एक सक्षम और एक सशक्त सैनिक हमें प्राप्त होगा, और उसके बाद एक सशक्त उद्यमी भी हमें मिलेगा। और जहां तक अभी हमने बच्चों को सुना, कुछ जो उद्यमी बोल रहे थे कि हमें जमीन की का इशू आता है, बैंक का इशू आता है, तो ये बात बड़ी साधारण सी है, और ये इशू आएगा, किसी किसी केस में आएगा, किसी किसी केस में नहीं आएगा। अब जैसे बैंक का मैं बात बताऊं, तो बैंक का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो SBI ने पिछले साल KPIC का जो टारगेट था उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज SBI का बैंक लोन सैंक्शन था, और ना सिर्फ सैंक्शन था, रिइंबर्समेंट भी था। तो हाँ, जहां तक अभी बायोडिग्रेडेबल प्रोजेक्ट लगाने की बात है, उसमें जमीन का इशू जो आ रहा है, उसमें सरकार की भी कुछ इश्यूज होते हैं जो कि पुराने नाम से है, उनका कन्वर्सन नहीं हो पाता है, और इसके चलते जब तक कन्वर्सन होने की स्थिति आती है तब तक बैंक का जो एक महीना का टाइम है वो बीत जाता है, और फिर हमारी स्थिति ज्यों की त्यों वहीं रह जाती है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इस पर क्या है कि हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करने की बात सोचें, बैंक से भी अनुरोध करें कि भाई एक महीना का कैप वो न लगाएं, जब हम प्रोसेस में आ गए हैं तो अगर 2 महीना भी लगता है तो हमारे फॉर्म को रिजेक्ट ना किया जाए, हमारे टेक्निकल वायबिलिटी को देखा जाए, फिजिबिलिटी को देखा जाए, हमारी कार्य क्षमता को देखा जाए, हमें सही में वो ब्रेक इवन देने की स्थिति है कि नहीं, हम ब्रेक इवन दे के अपने प्रोजेक्ट को फिजिबल बना सकते हैं कि नहीं,
हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को देके एंड यूजर्स बने पब्लिक जो यूज करती है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सब बैंक देखे न सिर्फ एक चीज पकड़ ले कि एक महीना हो गया और आपने नहीं दिया मैं रिजेक्ट करता हूँ. लेट बैंकर शुड बी लीनियंट ऑल्सो ऑन दिस इशू एंड रदर आई अपील टू अवर रिस्पेक्टेड जीएम एसबीआई कि ही शुड बी लीनियंट एंड ही शुड प्रोपगेट दिस मैसेज ऑन दिस ब्रांच टू ऑल ब्रांचेस ऑफ बिहार कि थोड़ा लीनियंसी रखें. और मैं ये बताना चाहूँगा माननीय सांसद महोदय हैं कि बिहार में एमएसएफ की तरफ से एनपीए की जो लागत है वो बहुत कम है अन्य प्रदेशों के वनस्पत. उसका दो कारण है. एक कारण है कि बैंक से एमएसएमई में लोन थोड़ी कम जाती है तो एनपीए भी कम होता है. दूसरी बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में लोन जाता भी नहीं है एमएसएमई को तो उसके चलते भी एनपीए कम होता है. फिर भी एट ऑल ओवरऑल एनपीए कम होता है तो ये बड़ा उत्साहवर्धक न्यूज हमारे लिए है कि हमारे यहाँ एनपीए अन्य राज्यों के बनिस्बत कम होता है. तो मैं आप तमाम प्रतिभागीगण का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और माननीय सांसद महोदय ने जो बताया है कि बैंकर्स और स्टेट गवर्नमेंट में जो इशूज हैं उसको हम लोग अभी टेक्निकल सेशन में बताएंगे जरूर कि बैंकर्स होते हो सारे आ रहे हैं उनसे बातें करेंगे आपको उनसे साक्षात्कार करवाएंगे और बताएंगे कि वेयर इज द प्रॉब्लम बैंक को कहाँ लीनियंट होना है आपको डॉक्यूमेंट देखिए बड़ी सिंपल सी बात है माननीय सांसद महोदय हैं. मैं ये बताना चाहूंगा कि बैंक चलता कैसे है. अगर बैंक लोन नहीं दे तो वो चलेगा तो पैसा आपसे लेता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो अगर बैंक आपको लोन नहीं दे तो वो चलेगा कैसे. तो बैंक को लोन देना बड़ा प्राथमिकता है उसके लिए. वही उद्यमी अगर जाता है बैंक के पास बिजनेस के लिए तो उसको लोन लेने में दिक्कत होती है. वही उद्यमी अगर जाएगा कि मुझे मकान बनाने के लोन दिया जाए तो बैंक लोन मिल जाता है. उद्यमी सेम है आप समझ लीजिए. वो उद्यम लगाने के लिए जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाती है और वही घर बनाने के लिए जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी. वही एजुकेशन लोन लेने के लिए जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी. इट मीन्स कि बैंकर्स का क्लियर कट इंडिकेशन रहता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो लोन मिलेगा. मैं मैन टू मैन अपना नैरेटिव सेट नहीं करता हूं. तो ये सारी बातों को देखना होगा बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना होगा और आपकी बातों को भी हमें समझना होगा. अभी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं. उसका पूरा दायित्व पूरे भारतवर्ष में सारे एमएसएमई डीएफओ को दिया गया है. तो 17 तारीख को हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे इस पे. तो आने वाले समय में हमें लगता है कि एमएसएमई में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने वाला है. ये कहने की जरूरत नहीं है कि 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई के थ्रू जनरेट हुआ है. ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि 40% पूरे एक्सपोर्ट का एमएसएमई के द्वारा आता है. अब ये कहने की जरूरत है कि वेयर इज द पॉइंट टू गेट द लोन फ्रॉम बैंक्स. वेयर इज द पॉइंट टू गेट द क्लियरेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. वेयर इज द पॉइंट टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स. अब ये स्थिति हमारी हो गई. तो ये सब बातों को हम लोग वक्त वक्त डील करते हैं और करेंगे भी. और आप लोगों का कुछ इश्यूज होगा तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे बैंकर्स के साथ शेयर करेंगे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ शेयर करेंगे. और मैं माननीय सांसद महोदय को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि सर अगले सत्र में हम इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और अगर आपने इजाजत दिया तो इसका आउटकम भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे. धन्यवाद एक बार पुनः आप लोगों को यहाँ आने के लिए. और माननीय मंत्री का मैं माननीय सांसद महोदय का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि अपनी बातों को यहाँ रखे और हमारे बीच में एक जोश पैदा किया इसके लिए. धन्यवाद. थैंक यू.